अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के दिन करीब हैं और सवाल ये है कि वोट किसको दें। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वोट देने के लिए सब लोग आपके पास लेने के लिए सब लोग आपके पास आते हैं। हर उम्मीदवार आके आपसे वादे करता है और वो किस तरह की बातें करता है। कोई कहता है जी मैं आपके लिए मिसाल के तौर पे सड़कें बना दूंगा, कोई कहता है जी मैं आपके लिए स्कूल्स बना दूंगा, कोई कहता है जी मैं आपकी नौकरियां दिलवा दूंगा, कोई कहता है मैं घर बना दूंगा, कोई कहता है मैं बिजली के लिए ये करूंगा, गैस के लिए ये करूंगा, पानी के लिए ये करूंगा। हमारी आवाम का इतना शऊर आवाम के अंदर नहीं है कि वो ये महसूस कर सके कि वोट देना किसको है। यहाँ तक कि लोग पूरा साल सोचते रहते हैं कि मैंने एक बंदे को वोट देना है, और जब लाइन में खड़े होते हैं और उनकी जेब में 1000 रुपये आता है, या यहाँ तक कि उन्हें एक बिरयानी की प्लेट या उन्हें कोई खाना खाने ऑफ़र कर दिया जाए, तो वो अपना वोट फौरन चेंज कर देते हैं। और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे वोट को वैसे किसी और को डालने को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी इस बंदे को मैं वोट दूँगा तो कम अज़ कम मुझे खाना तो मिल रहा है। या कई लोग यहाँ तक होते हैं कि वो कहते हैं मेरे घर की मोटर लगवा दो, मेरे घर का मीटर लगवा दो, या मुझे 50,000 रुपया दे दो, या मेरी दुकान में ये चीज़ डाल दो। यहाँ तक कि हम जब छोटे थे और क्रिकेट खेलते थे तो हम इलेक्शन ऑफिस में जाके कहते थे कि अंकल जी हमें आप बैट और बॉल ले दें तो हम आपके लिए लगातार नारे मारते रहेंगे और सबको कहेंगे कि आपको ही वोट दें। तो सुनने वालों, वोट इन चीज़ों के लिए नहीं है। वोट ना बिजली पानी के लिए है, ना गैस के लिए है, ना रोड बनवाने के लिए है, ना स्कूल बनवाने के लिए है, ना बिरयानी की प्लेट के लिए है, ना इसलिए है कि वो आपको क्या फ़ायदा देगा। अगर आपको ये सोचना है कि वोट किसको दें, तो सबसे पहले आप अपना जो उम्मीदवार है, जो आपका उम्मीदवार है, उसके पास आप जाएं और उससे पूछें कि अगर मैं वोट दूंगा तो तुम क्या करोगे। और जितनी भी मैंने बातें की हैं, अगर उनमें से वो कोई एक भी कहता है तो वो शख्स आपके वोट का हकदार नहीं है। आपके वोट का हकदार जो है वो शख्स है जो ये कहता है कि मैं अगर सूबाई नशिस्त में अगर आप मुझे वोट दोगे और मैं जीत गया तो मैं सूबे के लेवल पे जाके इस सूबे के मुस्तकबिल के 50 साल के लिए, 20 साल के लिए क्या करूँगा कि ये सूबा बेहतरीन सूबों में से एक सूबा बन जाए, या मेरा ये स्पेशलिटी है, मेरा ये विज़न है कि मैं इस इलाके को, इस सूबे को इस तरक्की के राह पे लेके जाऊँगा, या अगर मैं नेशनल असम्बली में जाता हूँ तो मैं मुल्क को किस रास्ते पर ले कर जाऊँगा, मैं पॉलिसी मेकिंग करूँगा। वो जो पॉलिसी है उसकी वो इम्पोर्टेंट है, उसका मंशूर पॉलिसी के ऊपर होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए कि आपका मुल्क ख़ुद मुख्तार कैसे होगा। वो एक बंदे की नौकरी का इंतज़ाम ना करे, वो 24 करोड़ लोगों की नौकरी का इंतज़ाम किस तरीके से करेगा। और वो नौकरियां 1-2 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि नौकरी भी क्रिएट हो, लोगों को रोज़गार भी मिले, मुल्क तरक्की भी करे और कोई भी फेस, कोई भी सेक्टर मुल्क का नुकसान में ना जा रहा। ये 250 मिलियन लोगों में से 50% लोग तकरीबन वोट देने वाले हैं, और इन 50% लोगों के वोट देने वालों में से ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं, और वो यही समझते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार को नौकरी दिलवा देगा या जो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है बहुत बड़ा आदमी है तो हमारी बड़ी इज्जत बन गई, वो हमारे वोट का हकदार है। खुदारा इस बात को समझिए। इसका सही तरीका तो ये होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर आपके 5 या 10 घर हैं जिन्होंने वोट देने हैं, और मिसाल के तौर पे आपके 100 से 500 तक वोट हैं, तो ये सारे वोट मिलके ये फैसला करें कि हमारे 2 या 3 लोग कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और साथ ही साथ उनका पूरी दुनिया में घूमने फिरने का एक्सपीरियंस भी हो, उनका विज़न अच्छा हो, और वो इस चीज़ को समझते हों कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वो क्लाइमेट एक्शन को भी सोचें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सोचें, वो पूरी दुनिया के मसाइल को भी सामने रखें। उस बंदे को ये भी पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट से क्या हो रहा है। उसे ये भी पता होना चाहिए कि हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ क्या कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, साइबर सिक्योरिटी ये क्या कर रही हैं। उसे ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है। उसे ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी औरतें हैं, क्या उनके लिए किया जाए कि उनकी ताकत को, उनकी एनर्जी को बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। उसको ये पता होना चाहिए।
तो आप जब इन दो तीन लोगों को सेलेक्ट करोगे तो वो दो तीन लोग अगर पूरे हलके में हर ख़ानदान और हर कम्युनिटी दो दो तीन तीन लोगों को देता है और 200 से 500 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ये 200 से 500 लोग अपने लिए एक उम्मीदवार सेलेक्ट करेंगे, ऐसा उम्मीदवार जो कि उस पूरे इलाके को दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके। वो याद रखिएगा जो अवामी नुमाइंदा आप सूबाई असम्बली में या नेशनल असम्बली में भेजते हैं वो आपके इलाके के काम करवाने के लिए नहीं होता, वो आप पूरी दुनिया को बेहतर करने के लिए एक शख्स दे रहे होते हैं। वो आपके गली मोहल्ले की नालियाँ ठीक करवाने वाला शख्स नहीं होगा, वो शख्स होगा जो दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आपके इलाके को ना सिर्फ नाम रोशन करे बल्कि पूरी दुनिया का नाम रोशन करे। कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों के लिए बड़ा, उनका सोशल क्वेश्चन बड़ा स्ट्रांग होता है, लोगों के लिए भाग भाग के काम करते हैं, उनकी PR बहुत ज़्यादा होती है, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा होती है, लोग समझते हैं कि यार ये वर्कर आदमी है, इसको काउंसलर बनाओ, इसको MPA बनाओ, इसको MNO बनाओ, क्योंकि ये मेहनत करने वाला वर्कशॉप बंदा है, ये मेहनती बंदा है, ये हमारे मसाइल को समझता है, ये हमारे मसाइल हल करेगा। समझिएगा वो शख्स वर्कर तो अच्छा हो सकता है, वो MNO MPA की सपोर्ट तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो असम्बली में या नेशनली इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा नहीं हो सकता। नालियाँ बनाना, सड़कें बनाना, मोटरें लगवाना, बिजली लगवाना, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट का बहरहाल ज़िम्मेदारी है। आबादी के लिहाज से और ज़रूरियात के लिहाज से जहाँ पानी की ज़रूरत है, जहाँ स्कूल की ज़रूरत है, जहाँ यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, ये एक प्लान्ड हर जगह के ऊपर बनना ही बनना होता है। और अगर आपके कहने पे ज़बरदस्ती आपके इलाके में यूनिवर्सिटी बना दी जाए हालांकि आपके करीब ही किसी और इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी और उसे यूनिवर्सिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह वो शख्स काम ठीक करने के बजाय गलत कर रहा है। उस जगह पे यूनिवर्सिटी बना रहा है, उस जगह पे हॉस्पिटल बना रहा है जहाँ मरीज़ कम है, और जहाँ मरीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा सेहत का फुकदान है, वहाँ इस तरीके से अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, और वही आवाम का पैसा वो गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी समझिएगा कि जो बंदा लैपटॉप देता है या घर देता है या नौकरियाँ देता है या बिजली देता है या पानी देता है, वो अपनी जेब से नहीं देता, वो आवाम का पैसा है। सो आपको ये सोचना है कि इस पैसे को बेहतरीन इस्तेमाल में कौन लाएगा, उसके शुक्रगुजार ना हो कि तुमने मुझे गाड़ी दे दी या घर दे दिया या नौकरी दे दी या लैपटॉप दे दिया, वो आपका पैसा आपको वापस कर रहा है। हाँ, शुक्रगुजार इस चीज़ के हों अगर वो एक ऐसा काम करता है कि ग्लोबली पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। तो अपनी सोच को बदलिए, अपने दिमाग और जहन को बदलिए, और सोचिए कि जो मैंने बातें की है उस मेयार पर पूरा उतरने वाला कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा उम्मीदवार है जो कि सूबाई असम्बली में जाके या नेशनल असम्बली में जाके आपके इलाके को तो रिप्रेजेंट करेगा या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपके मुल्क के लिए मुफीद है, जो आपके मुस्तकबिल के लिए मुफीद है, आपके एक टाइम की रोटी के लिए या दो साल के रोड के लिए या 10 साल की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि लंबे अरसे के लिए एक सस्टेनेबल कदम उठाता है जो कि आगे जाके आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।